हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके घर की निगेटिविटी तो जाएगी ही, साथ ही आपके घर से मक्खी मच्छर और छिपकली सालों तक गायब हो जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सबसे असरदार टिप्स मैं लास्ट में बताने वाली हूँ। सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लीजिए नीम की पत्तियों को और इसे एक बर्तन में तोड़ कर रख लीजिए और अब इसमें डालिए सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद आप इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पका लीजिए, जब तक कि पत्तियों का कलर चेंज न हो जाए। अब आप नीम के ऑयल को ठंडा कर लीजिए। अब आप एक मिट्टी का दिया लीजिए और उसमें डालिए रुई की बत्ती और एक चम्मच नीम का तेल और अब आप इस बत्ती को जला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर से मक्खी और मच्छर तो गायब हो ही जाएंगे, साथ ही पूरे घर में भीनी भीनी सी खुशबू भी फैल जाएगी। सेकंड टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लीजिए तारपीन का तेल, ये पेंट की दुकान पे आसानी से मिल जाता है और इसमें मिक्स करिए कपूर। कपूर को बारीक कूट लीजिए और अब एक कांच के बॉटल में कपूर को बारीक कूट कर डाल दीजिए और अब इसमें डालिए तारपीन का तेल और बॉटल का ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से तारपीन के तेल और कपूर को मिक्स कर लीजिए। अब एक कॉटन लीजिए और जहाँ भी मक्खियाँ छिपकली या फिर काकरोच आते हैं वहाँ इस ऑयल को भिगाकर रख दीजिए। इसकी खुशबू से तो मक्खियाँ छूम अंतर हो जाएंगी और दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगी। और इस ऑयल को आप स्प्रे बॉटल में भी भर सकते हैं और जहाँ पर भी छिपकली मक्खी और मच्छर आते हैं वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए, लेकिन इस ऑयल को आग से आप दूर रखिएगा। थर्ड टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लीजिए ताजी नीम की पत्तियों को और इन पत्तियों को बाउल में तोड़कर रख लीजिए और अब इसमें डालिए धूप बत्ती, कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा और अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और अब इनकी बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए। इन गोलियों को आप पंखे के नीचे या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं। गोलियां जब अच्छी तरह से सूख जाएं तब आप इन्हें जला दीजिए। थोड़ी देर जलाने के बाद इसकी आग को बुझा दीजिए, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। और सबसे लास्ट टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लीजिए एक प्याज और प्याज को पीस कर उसका रस निकाल लीजिए और ये है नेफ्थनॉल की गोली, इसे फिनाइल की गोली भी कहते हैं। अब आप फिनाइल की गोली को एक पॉलीथीन के अंदर बिल्कुल बारीक कूट लीजिए। कूटी हुई फिनाइल की गोली को डालिए प्याज के रस के अंदर और अब इसके अंदर डालिए एक चम्मच डिटॉल और एक चम्मच वाइट विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को चाय छन्नी की हेल्प से दूसरे बर्तन में छान लीजिए। एक स्प्रे बॉटल लीजिए और उसके अंदर इस लिक्विड को भर लीजिए और यहाँ पर बनकर तैयार है मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों और छिपकली को भगाने का शानदार स्प्रे बॉटल। ये इतना असरदार लिक्विड है कि इसे स्प्रे करते ही छिपकली आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।